नमस्कार मित्रों, कृषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है दिमाग की शक्ति। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक आदमी आया और पूछा कि प्रभु, भगवान ने हर इंसान को एक ही जैसा बनाया है, फिर भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बूढ़े, कुछ असफल होते, कुछ असफल, ऐसा क्यों? स्वामी विवेकानंद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। कहा जाता है कि यह धरती रत्न गर्भा है, यहाँ जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। एक बार है कि देवी देवताओं की सभा चल रही थी कि इंसान इतना विकसित कैसे है, कैसे वह इतने बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ऐसी कौन सी शक्ति है उसके दम पर इंसान असंभव को संभव कर डालता है। सारे देवी देवताओं अपने अपने विचार रख रहे थे और कोई बोल रहा था कि समुद्र के नीचे कुछ ऐसा है वो इंसान को आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, कोई बोल रहा था कि पहाड़ों की चोटी पर कुछ है। अंत में एक बुद्धिमान ने जवाब दिया कि इंसान का दिमाग ही ऐसी चीज है जो उसे हर कार्य करने की शक्ति देती है। मानव का दिमाग एक बहुत अद्भुत चीज है, जो इंसान इसकी शक्ति को पहचान लेता है वह कुछ भी कर गुजरता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जो लोग दिमाग की ताकत का प्रयोग नहीं करते वो लोग जीवन भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं। और इंसान की जय और पराजय उसके दिमाग के काम करने की क्षमता पर ही निर्भर है। यह दिमाग ही वो दैवीय शक्ति है जो एक सफल और असफल इंसान में फर्क पैदा करती है। सारे देवी देवताओं इस जवाब से बड़े प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने आगे कहा, आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बन जाएंगे। आप खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, खुद को शक्तिशाली मानोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। यही फर्क है एक सफल और असफल इंसान में। स्वामी विवेकानंद जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।